भारतीय क्रिकेट टीम T20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में 10 विकेट से हारकर बाहर हो गई है। एडिलेड ओवल के मैदान पर दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को बेहद शर्मनाक तरीके से हराया। अंग्रेजों ने भारत से मिले 169 रन के लक्ष्य को महज 16 ओवर में ही चेस कर लिया, वो भी बिना कोई विकेट गंवाए। इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा और टीम के सीनियर खिलाड़ियों पर लगातार सवाल उठाए जाने लगे हैं। शायद आपने भी ट्विटर पर ऐसा देखा हो। भारतीय टीम की हार के बाद ऐसे कयास लगाए जाने लगे कि आने वाले समय में टीम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। अगले T20 विश्व कप को तो अभी 2 साल बचे हैं, लेकिन क्रिकेट गुरुओं की माने तो टीम में बड़े बदलाव होने वाले हैं। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में नई टीम तैयार होगी, क्योंकि वो लंबे समय तक कप्तानी कर सकेंगे। BCCI के एक सूत्र ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर PTI को बताया। BCCI कभी भी किसी खिलाड़ी को संन्यास लेने के लिए नहीं कहती है, यह एक व्यक्तिगत फैसला है। लेकिन 2023 में सीमित T20 मुकाबलों को देखते हुए ज़्यादातर सीनियर एक दिवसीय मैच और टेस्ट मैचों पर फोकस करेंगे। BCCI के इसी सूत्र ने आगे कहा, अगर खिलाड़ी नहीं चाहते हैं तो उन्हें संन्यास की घोषणा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगले साल ज़्यादातर सीनियर खिलाड़ियों को T20 मैच खेलते हुए नहीं देखेंगे। भारत के हार के बाद PTI ने भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ से कोहली और रोहित जैसे सीनियर खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में सवाल किया था। इस पर द्रविड़ ने कहा था कि बदलाव के बारे में बात करना थोड़ी जल्दबाजी होगी, द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। सेमीफाइनल मैच के बाद इसके बारे में बात करना जल्दबाजी होगी, इन खिलाड़ियों ने हमारे लिए शानदार प्रदर्शन किया है, हमारे पास इस पर विचार करने के लिए अभी कुछ साल हैं। भारत में अगले साल होने वाले 50 ओवर के विश्व कप तक भारतीय टीम केवल 12 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली है। शुभमन गिल को टीम में शामिल करने और ऋषभ पंत के पारी का आगाज करने से पावर प्ले बल्लेबाजी का समीकरण बदल सकता है, यानी अब संकेत समझ गए हैं, ओपनर देख रहे हैं और मिडिल ऑर्डर देख रहे हैं। दूसरे सेमीफाइनल की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही, KL राहुल जल्दी आउट हो गए। पावर प्ले में 6 ओवरों में भारत ने बेहद धीमी गति से केवल 38 रन ही बनाए थे। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने 27 और सूर्य कुमार यादव 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। इन खिलाड़ियों के अलावा टीम के लिए चलने वाले बल्लेबाजों में विराट कोहली ने 40 गेंदों में 50 रन बनाए थे। वहीं हार्दिक पांड्या महज 33 गेंदों में 63 रन बनाकर टीम का काम बना दिया था। हार्दिक की पारी की मदद से भारत ने 20 ओवर में 168 रन बनाए थे। इस लक्ष्य को देख ये उम्मीद थी कि मैच दिलचस्प होगा और भारतीय गेंदबाज मैच में टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे या एटलीस्ट क्लोज तो ले ही जाएंगे, लेकिन एलेक्स हेल्स और जॉस बटलर की आतिशी पारियों ने भारतीय गेंदबाजों को एक भी मौका नहीं दिया। इन दोनों बल्लेबाजों ने नॉट आउट रहते हुए 170 रन की पार्टनरशिप की और इंग्लैंड को फाइनल में पहुंचा दिया। एलेक्स हेल्स ने 47 गेंदों में 86 रन बना दिए, वहीं बटलर ने 49 गेंदों पर 80 रन की पारी खेली। इस जीत के बाद इंग्लैंड 13 नवंबर को पाकिस्तान के साथ मेलबोर्न में T20 विश्व कप का फाइनल खेलेगी। ये खबर आपके लिए हमारे साथी प्रशांत ने लिखा है। आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात, सौरभ द्विवेदी समेत पूरी लल्लन टॉप की टीम से मिलने का मौका आ गया है। 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। इसमें साहित्य, सिनेमा, संगीत, स्पोर्ट्स आदि से जुड़े तमाम कलाकार और एथलीट्स को आप देख सुन पाएंगे। लाइव लल्लन टॉप क्विज होगी और सवालों के जवाब देकर आप इनाम भी जीत सकते हैं। एंट्री फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रोसेस आसान है, ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप कर दीजिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके रजिस्टर कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत, कैमरे के पीछे जतिन है और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स T20 वर्ल्ड कप पर अपनी बारीक नज़र बनाए हुए है। यहाँ पर हम आपके लिए ढेर सारी खबरें, कैप्टन्स के रिएक्शंस और सारे प्लेयर्स इस पर क्या कह रहे हैं, ढेर सारी कहानियाँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए लेकर लगातार आते रहते हैं। तो फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।